हिंदू धर्म में एकादशी को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान को सफलता मिलती है तथा उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए सफला एकादशी का व्रत करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच की बातचीत के रूप में सफला एकादशी का महत्व मिलता है। माना ये भी जाता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ मिलकर इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इस साल सफला एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है। एकादशी 21 दिसंबर को शाम 5:15 पर शुरू होगी, जो 22 दिसंबर को शाम 3:22 पर खत्म होगी। वहीं इस बार एकादशी का पारण मुहूर्त 23 दिसंबर को सुबह 7:10 से 9:14 तक बताया गया है। सफला एकादशी पर कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो कार्य। सफला एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन करना भी इसमें निषेध बताया गया है। सफला एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ होता है। सफला एकादशी के दिन श्रद्धालु को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए।